दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जो शख्स मारा गया उसका नाम सागर बताया जा रहा है। आज तक की टीम सागर के घर तक पहुंची। सोनीपत में सागर धनखड़ के माता पिता ने बातचीत में कई खुलासे किए। तो क्या सुशील कुमार कानूनी मामले में बुरी तरह से फंस चुके हैं? पूर्व इंटरनेशनल रेसलर सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में सुशील कुमार ओलंपियन को फिलहाल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सब के बीच जो माँ बाप हैं उन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि पहले लगातार तकरीबन 15 से 17 दिन हो गए थे सुशील की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, अब गिरफ्तारी हो गई है। आपको लग रहा है अशोक जी कि अब इंसाफ मिल जाएगा? हाँ जी, इंसाफ की पूरी उम्मीद है जी। मैं चाहता हूँ इसकी पूरी जांच हो। इसने कहाँ कहाँ क्या क्या कर रखा है, 10 साल से गैंगस्टरों से संबंध है, तो इसकी पूरी तहकीकात करी जाए, पूरी जांच हो और इसको कम से कम फांसी की सजा हो जी। आगे कोई गुरु अपने शिष्य के साथ ऐसा ना करे। जिस तरह से जो है जथेड़ी का नाम आ रहा है और भी कई गैंगस्टर्स का नाम आ रहा है, ऐसे में आपको लगता है कि उस गैंगस्टर्स का भी हाथ हो सकता है सुशील कुमार के साथ मिल करके? जी वो तो वही बताएगा किसके साथ क्या संबंध है, तो यदि पुलिस तहकीकात करेगी तो सब आ जाएगा सामने, किस किस से क्या क्या संबंध है, किसके के लिए काम करता था, किसके कब्जे करवाता था। पिताजी, जाहिर सी बात है कि आपने अपने जवान बेटे को खोया है, एक गुरु कैसे अपने शिष्य का जिसे वो आइडियल मानता था उसका कत्ल कर सकता है, वो भी इतनी बुरी तरह से? मैं तो यही कहूंगी जी कि ऐसे काम की मेरे बेटे की हत्या करी है सुशील ने, तो ये तो गुरु कहलाने के लायक है ही नहीं, और इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए, और जो भी इसको मेडल मिले हुए हैं उनको वापस लेना चाहिए। आप ये मांग करती हैं कि जो भी मेडल और दूसरी चीजें हैं, जो अवार्ड हैं, जो उसने देश का नाम किया है, वो सब कुछ वापस होने चाहिए? जो भी इसके मेडल हैं, जो भी इसको देश ने दिया है, इसका सब कुछ वापस लेना चाहिए और मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए और इसको फांसी की सजा हुई। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फॉरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।